सुप्रभात बच्चों, ये हमारी हिंदी की किताब है जिसका नाम है आराध्या। आज हमारी तारीख है 15 मई 2020 और हमारा आज वार है शुक्रवार। हमने पाठ 4 जो है वो पढ़ लिया था, इसका नाम है कैसी सुंदर होती भोर। आज हम इसका का प्रश्न प्रहर करेंगे। इसका क भाग है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ कविता की पंक्तियाँ जो हैं वो हमने पूरी करनी है। एक लाइन हमारे पास है और कविता की दूसरी लाइन हमने खुद से पूरी करनी है। आज पुराना घर भी त्यागा, यहाँ हमने लिखा है देख रहा हूँ मैं वटभागा, रंग बिरंगी दुनिया प्यारी, आगे हमने लिखा है लदी फूल से हर एक क्यारी, पंख मेरे फैलेंगे कल जब उड़ता फिरूं गगन में मैं, तब उड़ता उड़ता दूर किनारे पहुंचूंगा जहां पंछी सारे। हमारी पंक्तियां जो हैं हमने कंप्लीट कर ली हैं। आगे ख भाग है हमारा सही कथन के सामने ठीक तथा गलत के सामने गलत लगाइए। छोटी चिड़िया अंडे के भीतर प्रसन्न थी, छोटी चिड़िया अंडे के भीतर प्रसन्न थी, नहीं वो चिड़िया बाहर आना चाहती थी और देखना चाहती थी कि बाहर का संसार कैसा है। अंडे से बाहर आकर छोटी चिड़िया ने स्वयं को भाग्यशाली समझा, अंडे से बाहर आकर छोटी चिड़िया ने स्वयं को भाग्यशाली समझा। यस, छोटी चिड़िया अन्य चिड़ियों का शोर सुन अंडे से बाहर आना चाहती थी। यस, आना चाहती थी। छोटी चिड़िया बालकों को सच्चाई के मार्ग पर चलने का संदेश देती है। यस, सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। कविता के माध्यम से अपनी बात कौन बता रहा है? कविता के माध्यम से कौन बता रहा है अपनी बात? बच्चा, चिड़िया का चूज़ा या चिड़िया? ये बात जो है वो चिड़िया का चूज़ा जो अंडे के अंदर है वो बता रहा है। नंबर 2, कविता के माध्यम से अपनी बात कहने वाला किसे संबोधित कर रहा है? कविता के माध्यम से अपनी बात कहने वाला किसे संबोधित कर रहा है? कौन कह रहा है? चिड़िया का चूज़ा कह रहा है। किसको कह रहा है? बच्चों को, बादलों को या कौओं को? चिड़िया का चूज़ा जो है वो बच्चों को कह रहा है। आज पुराना घर भी त्यागा में पुराने घर से तात्पर्य है। पुराना घर कौन सा था चिड़िया के बच्चे का? चिड़िया के बच्चे का पुराना घर गगन था, अंडा था या घोंसला था? वो अंडे में था तो उसका पुराना घर कौन सा था? अंडा। कविता में क्या संदेश निहित है? क्या संदेश दिया गया है? प्रेम पूर्वक रहना, सच्चाई अपनाना या प्रेम व सच्चाई अपनाना? प्रेम व सच्चाई अपनाना, दोनों ही अपनाने चाहिए बच्चों को। ये चिड़िया का चूज़ा जो है वो संदेश दे रहा है कविता में। भाग है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, छोटी चिड़िया का घर पहले कहाँ था? छोटी चिड़िया का घर, हम इसका उत्तर लिखेंगे, छोटी चिड़िया का घर पहले अंडा था। छोटा बच्चा जो है, चिड़िया का छोटा बच्चा जो है वो अंडे के अंदर था तो पहले उसका घर अंडा था। छोटी चिड़िया का घर पहले अंडा था। अंडे से निकलकर चिड़िया क्या देख रही है? अंडे से निकलकर चिड़िया क्या देख रही है? रंग बिरंगी दुनिया, सारी दुनिया देख रही है। उस दुनिया में सब कुछ आ जाता है, ठीक है, फूलों से लदी हुई क्यारियाँ और बहुत कलरफुल दुनिया जो है वो देख रहा है। कौन? चिड़िया का बच्चा। पंख फैलाकर चिड़िया कहाँ उड़ जाएगी? पंख फैलाकर चिड़िया सभी पक्षियों के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। चौथा हमारा आता है, जीवन पथ पर बढ़ते हुए चिड़िया क्या संदेश देती है? जीवन पथ पर बढ़ते हुए चिड़िया क्या संदेश देती है? छोटी चिड़िया सच्चाई और प्रेम की राह पर चलने का संदेश देती है। छोटी चिड़िया सच्चाई और प्रेम की राह पर चलने का संदेश देती है। आगे हमारा भाषा बोध। क भाग है हमारा, बेमेल शब्द पर गोला खींचिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं जो इनके साथ मैच नहीं करता, उस पर हमने गोला लगाना है। जैसे कौवा, कबूतर, गुरैया, घोंसला। क
कौआ, कबूतर, गुरैया ये पक्षी हैं, घोंसला पक्षी नहीं है, तो हम इस पर सर्कल लगा देंगे। बगुला, चूज़ा, बत्तख और भैंस। बगुला, चूज़ा, बत्तख ये तीनों जो हैं पक्षी हैं, भैंस पक्षी नहीं है, तो हम भैंस पे गोला लगा देंगे। सूर्य, बादल, चांद, तारे। सूर्य, चांद, तारे एक जैसे हैं, बादल इनके साथ मैच नहीं करते, तो हम इस पर गोला लगा देंगे। एक, दो, ए, तीन, एक, दो, तीन, चार ये गिनती होती है, ए हमारे स्वर में आ जाता है, तो हम इस पर गोला लगा देंगे। अलग से आ जाता है। कब आ गया हमारा? निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए, जैसे चूज़ा, चूज़े, एक चूज़ा, ज़्यादा चूज़े, एक बगुला, ज़्यादा बगुले, तारा, तारे, तोता, तोते, तितली, तितलियाँ और बिल्ली, बिल्लियाँ। आओ सीखें, चित्रों को देखिए और इनके विषय में कविता की दो दो पंक्तियाँ सोचकर लिखिए। यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, तितली, तोता, बिल्ली और ये हमारा है चपरासी जो घंटी बजाता है। हमने इनके बारे में कोई भी दो दो पंक्तियाँ लिखनी हैं। जैसे हम तितली के बारे में लिखेंगे, नन्ही तितली, प्यारी तितली, डाल डाल पर जाती हो। ठीक है, आपने इनके बारे में मम्मा की हेल्प से यहाँ लिखना है। आपने क्या करना है, ये तीनों पेज जो हैं पहले बुक के अंदर लिखने हैं, भरने हैं इनको, और फिर इनको याद भी करना है। ओके, बाय बाय।